जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। दोस्तों, आप अभी गुजरात से दमन की ओर जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि पहला जो क्रॉस बॉर्डर आता है गुजरात और दमन के बीच में, तो ये है उदवाड़ा की ओर से। जब आओगे तो ये आएगा। तो अभी आज 31 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेकिंग, यहाँ पे हर गाड़ी का यहाँ से चेकिंग किया जा रहा है। और ये नया ब्रिज भी बहुत अच्छी तरह से बना दिया गया है कि ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो और आप जल्द से जल्द दमन की ओर पहुंच सके, गुजरात की ओर पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हो कि RCC का पूरा नया ब्रिज बना दिया है दमन गंगा रिवर के ऊपर। तो पूरा RCC का ये ब्रिज बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वो हमने आगे देखी थी, वो गुजरात का चेक पोस्ट था और यहाँ पे आगे जो आ रहा है वो दमन का चेक पोस्ट है। तो अभी आज 31 दिसंबर है, लेकिन अभी आपको रास्ता सब कुछ सुमसाम लग रहा है, लेकिन इवनिंग के शाम को टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा और गाड़ी का पार्किंग के लिए 1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की ज़्यादा यहाँ पे कतार भी रहती है। तो अभी हम यहाँ पे दमन में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देवका बीच यहाँ से 9 किलोमीटर है। तो दमन में घूमने के लायक जमपुर बीच है, देवका बीच है, पुराना फोर्ट है, जट्टी है, वो सब कुछ घूमने लायक है। तो यहाँ से वहाँ पे 14 किलोमीटर दमन जो बस स्टेशन 8 किलोमीटर है, जमपुर बीच यहाँ से 12 किलोमीटर है। और यहाँ से जो आप ये रास्ता पे जंगपुर बीच की ओर जाओगे तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो आई थिंक किसी को ये रास्ते के बनाने के बारे में कुछ प्लान करना चाहिए। और दमन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में ही आता है, तो यहाँ पे जो भी फंडिंग होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल से ही होता है।